नहीं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉर्डर लाइन पे, और ये समोसा कोल्ड ड्रिंक क्या करते हो? डॉक्टर ने कहा है ना? अरे डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहते हैं बेटा, एक समोसे थोड़ा ना कुछ होगा। अगर डॉक्टर इतने स्टूपिड होते हैं तो मुझे किसी डॉक्टर से जबरदस्ती क्यों मिलाने लाए हो? अरे बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, बस मैं चाहता हूँ तू एक बार लड़के से मिल ले, और अगर तुझे पसंद नहीं आया शादी से इनकार कर देना। पापा मुझे ऑफिस से 20 दिन की छुट्टी मिलती है साल में, आप चाहते हो कि मैं अपनी एक छुट्टी उस डॉक्टर से मिलने में वेस्ट करूं? क्यों? आप ही बताओ कि मैं एक डिवोर्सी हूँ, वो कुवारा डॉक्टर मुझसे शादी क्यों करेगा 100% दहेज के लिए? बेटा मैंने फोन पर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और उनको तेरी पिछली शादी से, तेरे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो एक उनसे मिल तो ले। तेरा दिल एक बार पहले ही टूट चुका है, लेकिन हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। सॉरी सर अंकल, लेट हो गए। हाय अविनाश। क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ एक्चुअली मैंने पहली बार किसी डॉक्टर को अपना प्रोफेशन बताए बिना इंट्रोड्यूस करते हुए देखा। सब तो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक हाय आई एम डॉक्टर अविनाश। माफ करना बेटा, मेरी बेटी थोड़ी सी मुंह फट है। नहीं नहीं अंकल जी, बल्कि अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका। वो क्या ना कि यहाँ मैं आपकी सर्जरी के लिए नहीं, आपसे मिलने आया हूँ, इसलिए यहाँ नो डॉक्टर ओनली अविनाश। ओके अंकल, अंकल अंकल इनकी तो हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, फटाफट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। चलो 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 पापा। इमरजेंसी रूम रेडी कर पाऊ अभी। यस डॉक्टर। डॉक्टर काम डाउन, विल बी फाइन। मेरे पापा कैसे? वो ठीक है? टेंशन मत लो, आओ बैठो। रो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हें थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। उन्हें हुआ क्या था? उन्हें बहुत ही माइल्ड सा हार्ट अटैक आया था। हार्ट? डोंट वरी अबाउट, ही इज फाइन नाउ। ठीक है, इस स्टेज में सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से उन्हें अपना शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, बस ही विल बी फाइन। थैंक गॉड, मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? बस हम थोड़ी देर में उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे, तब मिल लेना। थैंक यू। पापा आप ठीक हो ना? इतना बोलती थी ये समोसा कचोरी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अच्छे नहीं है आपके, पर आप बिल्कुल भी सुनते नहीं हो। आज से आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, मैं जो कहूंगी ना वही खाना पड़ेगा, वही पीना पड़ेगा। और नो नखरा, हाँ मैं कितना डर गई थी आपको पता है? तू डर मत, मैं अपने नाते पोते को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अंकल नमस्ते। हाय। हाय। मैं पायल, अविनाश भैया की सिस्टर। वो अविनाश भैया ने मुझे बताया कि कैसे कैफे में अंकल की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं आप दोनों के लिए ये घर का खाना लेके आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम मैनेज कर लेते। अरे प्लीज, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आज से 7 साल पहले बॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं और अविनाश भैया भी आप ही की जगह थे। आप लकी हो कि पापा जी ठीक हो गए। जब पेरेंट्स के साथ कुछ होता है ना, तो हम बच्चे टेंशन और इमोशनल स्ट्रेस में कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, इसलिए मैं बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती थी। और बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है घर का हेल्दी फूड, इसलिए आप खाइए। और इसके अलावा भी कुछ भी जरूरत हो प्लीज बेझिझक मुझसे और अविनाश भैया से बोलिएगा। थैंक यू।
भाई बहन दोनों कितने प्यारे हैं। देख मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा हूं, पर तुझे एक मौका विनाश को जरूर देना चाहिए। कम इन प्लीज, हैव अ सीट। श्रुति, ये हैं डॉक्टर सुनील, माय फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर। हेलो। ओके, तो फिर ये पेपर वर्क मैं बैंक भेजवाऊं? ओके। जी कहिए, पापा के बारे में कुछ पूछना था? नहीं, एक्चुअली आप उससे शादी के लिए मिलने आए थे। आप तो डॉक्टर हैं, वो भी हार्ट सर्जन, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, मेरी जैसी एक डिवोर्सी। आप तो डाइवोर्स ऐसे कह रही हैं कि जैसे डाइवोर्स कोई गाली हो। आपकी पहली शादी, आपका डाइवोर्स, वो सब आपका पास था जिसका हमारे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं आपके इस पास को जज क्यों करूं? मैं तो सरप्राइज हूं कि आप जैसा ब्रॉड माइंडेड आदमी इस दुनिया में है, पर तब भी मैं एक डाइवोर्सी। फिर से डाइवोर्स? देखिए श्रुति जी, अब आप और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आप अच्छी फैमिली से हैं, केयरिंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, इनफैक्ट सुंदर भी हैं, जॉब करती हैं। कोई आदमी आपके ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो डिवोर्स वाले टैग को देखे तो वो आदमी पागल ही होगा। चलिए, आज की मुलाकात तो अधूरी रह गई, कॉफी डेट पे चलेंगे? माय ट्रीट। क्लिनिक में इतने कम वार्ड बॉय और नर्सेस क्यों हैं? अधिकतर हॉस्पिटल्स में तो वार्ड बॉय और नर्सेस से भरा होता है, पेशेंट से ज्यादा तो ये लोग होते हैं। आई नो, बट क्या है कि मैंने कुछ महीने पहले अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ ये क्लिनिक खोला है। वी आर स्टिल हायरिंग। तुमने देखा होगा कि काफी कम पेशेंट्स एडमिटेड है। And I really hope कि बहुत जल्द हम एक fully functioning hospital बन जाएंगे। Of course, तुम्हारा hospital बहुत successful होगा। Thank you। अच्छा घर चले? अरे इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर रुकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें drop कर दूँगा। Cheers। राहुल। श्रुति। क्या हुआ? तुम जानते हो कैसे? अरे मैंने कहा ना घर चलो। अरे हुआ क्या है? चुपचाप घर चलो। और राहुल, राहुल, श्रुति, श्रुति, श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति, 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 I'm really very sorry। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। कौन थी वो लड़की जिसको देख के तुम भाग गए? I know it's very embarrassing। वो मेरी ex girlfriend निधि थी। वो क्या है कि जब मैं कॉलेज में था तो उसने एक दूसरे सीनियर जो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर था उसके लिए मुझे छोड़ दिया। और फिर कुछ टाइम के बाद उस लड़के ने निधि को छोड़ दिया। और फिर वो मेरे पास आई माफी मांगने के लिए कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन भरोसा टूटने के बाद दोबारा? I know, मैंने उसे यही कहा कि हम दोस्त बनकर रहते हैं, लेकिन ये बात उसकी ईगो पर आ गई। उसने फिर मेरे दोस्तों को मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा। What? कहा कि मैं चीटर हूँ, कॉन मैन हूँ, यहाँ तक कि मेरा रियल नाम भी अविनाश नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा। ये तो हैरेसमेंट है, तुमने पुलिस कंप्लेन नहीं की? आई नो, लेकिन मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लूंगा। श्रुति, आई एम सॉरी, I love you यार। मैं बस डर गया था कि कहीं वो तुम्हें कुछ ना कह दे मेरे खिलाफ और तुम मुझे छोड़ ना दो। I like you too, अविनाश। मेरी और मेरे ex-husband की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और ना ही किसी की बातों में आऊंगी। Thank you so much।
देख रही हो, तुम्हारी बेटी को प्यार हो गया। अविनाश, पायल आओ बेटा, 100 साल जियोगे तुम लोग। क्या हुआ, कोई बात है? आप लोग टेंशन में लग रहे हैं। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वो अंकल आपको तो पता ही है कि भैया ने लास्ट मंथ ही अपने दो पार्टनर्स के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला था और उसमें से एक पार्टनर ने हमें पूरे 20 लाख का धोखा दिया है। 20 लाख? इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे मेरा घर, मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी को बेचना पड़ेगा। अंकल मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपकी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। इससे बेहतर यही होगा कि हमें रिश्ते ही तोड़ दें। सॉरी श्रुति, रियली सॉरी। चलो पाय। रुको, अगर हमारी शादी हो गई होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? Of course not. तो फिर रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? पैसा तो आता जाता रहता है, पर लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। और तुम्हें कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हें दूंगा 20 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं अंकल, 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, हम आपसे इतने रुपए नहीं ले सकते। बेटा मैंने ये 20 लाख रुपए श्रुति की शादी के लिए रखे थे, अब ये पैसे तुम क्लिनिक में लगा लो। शादी हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे, मंदिर या कोर्ट में। हाँ, और मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, जब तक तुम्हारी क्लिनिक के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर का खर्चा मैं उठा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता हूँ तुमसे। एहसान नहीं है, प्यार है। आई रियली लव यू, और मुझे तुमसे शादी करनी है। आई लव यू टू। खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा भी बाकी लड़कियों की तरह सपना होगा ना कि तुम्हारी शादी धूमधाम से। लेकिन मेरे क्लिनिक की वजह से वो अधूरा रह गया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? अगर तुम ऐसी बात करोगे तो जरूर नाराज हो जाऊंगी। मेरी पहले भी एक धूमधाम से वेडिंग हो चुकी है, अब मुझे वेडिंग नहीं एक लविंग लाइफ चाहिए। और अब हम मैरिड हैं तो जो तुम्हारा वो मेरा भी। I'm very lucky to have you in my life. किसका फोन आ रहा है? अरे एक पैरानॉइड पेशेंट है, बार बार फोन कर रही है। तू उठा लो ना। अरे बार बार एक ही सवाल पूछती है बेसिक सा, जिसका मैं 100 बार जवाब दे चुका हूँ। खैर ये सब छोड़ो, आज मैं एक डॉक्टर नहीं तुम्हारा पति हूं। अंकल खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है, आप समझ आया कि भाभी ने इतना टेस्टी खाना बनाना किससे सीखा है? ये श्रुति की मम्मी की रेसिपी है, उसके हाथ के खाने का तो मजा ही कुछ और था। तुम्हारी मम्मी से याद आया, कल तुम्हारे मामा जी का फोन आया था, उन्हें डॉक्टर ने हार्ट की सर्जरी करवाने के लिए कहा है। बेटा तुम रिपोर्ट देख के बताओ ना कि क्या करना चाहिए। मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ।
बेटा वो पापा मैंने ना चश्मा नहीं पहना तो मुझे ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि तुमने रिपोर्ट को उल्टा पकड़ा हुआ। अरे पापा सॉरी वो चश्मा नहीं पहना तो पता ही नहीं चल रहा कि रिपोर्ट उल्टी है या सीधी। मैं एक काम करता हूँ पापा हॉस्पिटल जाता हूँ और आराम से बैठकर देखता हूँ रिपोर्ट फिर आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ टेंशन में हो क्या? नहीं पापा वो हॉस्पिटल से ही फोन आ रहा है। एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी है बस उसी के लिए लेट हो रहा हूँ। बाय तुम श्रुति को लेकर आराम से घर चली जाना। ठीक है भैया बाय। अविनाश के क्लिनिक में तो लाइट बंद है वो सर्जरी बिना लाइट के कर रहा है। अरे भाभी सारी सर्जरीज क्लिनिक में नहीं होती हैं। कुछ सर्जरीज के लिए एडवांस्ड मशीन लगती है तो वो बड़े हॉस्पिटल में की जाती है। वो किस हॉस्पिटल में है? क्या भाभी इतनी रात को सीआईडी खेल रहे हो क्या? वैसे भी जाते ही है ना डॉक्टर्स दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी करने तो गए होंगे। तो सुबह जब भैया आए आप अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा ठीक है? हाय गुड मॉर्निंग। सर्जरी कैसी थी? अमेजिंग मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शादी के नोटिफिकेशन? अविनाश को अभी तक शादी के नोटिफिकेशन आते? लिपस्टिक अविनाश आज इमरजेंसी सर्जरी कैसी थी? वो एक पेशेंट के हार्ट में आर्टरीज ब्लॉक थी बस वही सर्जरी थी। अच्छा वो हार्ट में स्टेम डलता है उसे क्या कहते हैं? श्रुति रात भर पेशेंट की सर्जरी करके थक गया हूँ मैं आराम करने दो प्लीज। पूरी रात तुम सर्जरी कर रहे थे तो ये क्या है? और एक और चीज तुम्हारे फोन में आज भी शादी के नोटिफिकेशन आते हैं वो ऐप क्या कर रहा है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ एक डॉक्टर हूँ रात को सोने का तो टाइम नहीं मिलता मुझे यार इस फोन से ऐप डिलीट नहीं कर पाया हूँ यार मैं भूल गया अभी डिलीट कर देता हूँ। ये लो डिलीट कर दिया। और जो ये लिपस्टिक का निशान तुम कह रही हो यार रात को एक दुल्हन आई थी उसका एक्सीडेंट हो गया था उसको ट्रीट करते वक्त लग गया होगा निशान यार तुम्हें विश्वास नहीं है ना? मैं अभी सुनील को फोन करके कंफर्म कर देता हूँ। नहीं नहीं आई एम सॉरी अविनाश एक्चुअली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है इसलिए आई एम रियली सॉरी। आई नो बेबी आई टोटली अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू ट्रस्ट मी ना? देखो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। भाभी हाँ आपका टिफिन। ओह थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। पायल तुम टेंशन में लग रही हो कोई बात है क्या? वो अगले हफ्ते एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरना था और आपको तो पता है भैया की फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ हाँ मुझे बताओ ना कितने पैसे चाहिए? 1,00,000। 1,00,000 इतनी महंगी पॉलिसी? हाँ वो भैया को लगा कि अगर अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे और उनकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इसीलिए उन्होंने सबसे महंगी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। और फिर ये भी तो नहीं पता था कि क्लिनिक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है मुझे तो एफडी तोड़वानी होगी। ठीक है फिर आप पॉलिसी तोड़वाने की प्रोसेस शुरू कर दीजिए क्योंकि प्रीमियम अगले हफ्ते ही भरना है तो तब तक आपका प्रोसेस जो है ये पूरा हो जाएगा। थैंक यू भाभी यू आर द बेस्ट। चलो मैं निकलती हूँ बाय बाय।
रुको, तुमको अंदर जाने मना है। और तुम कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहन रही? कॉस्ट्यूम? सुनील। भाभी जी, आप यहाँ? आप अंदर रहिए, अंदर रहिए। बैठिए ना भाभी, बैठिए। वो नर्सेस कॉस्ट्यूम के बारे में क्या बोल रही थी? पता नहीं, शायद जरूर उसने आपको किसी और के साथ कंफ्यूज कर लिया होगा। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मैं तो बैंक के काम से पास में आई हुई थी, सोचा अविनाश को सरप्राइज दूं। ओह हाउ स्वीट भाभी, लेकिन आपका सरप्राइज तो फ्लॉप हो गया। अविनाश यहाँ पे नहीं है, वो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट लेने के लिए वेंडर से बात करने बाहर गया है और उसे आने में टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे वो वार्ड बॉय और नर्सेस के हाथ में कुछ पेपर था बाहर, वो क्या है? वो हम स्टाफ हायर कर रहे हैं ना, तो शायद उनके हाथ में उनके सीवी होंगे। ओके ठीक है, मैं निकलती हूँ। अच्छा, मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं नहीं, डोंट माइंड। ओके आप वही है ना जो राहुल के साथ थी? कौन राहुल? एक मिनट। अविनाश ने मुझे बताया था कि ब्रेकअप के बाद तुम उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। देखो, अविनाश को भूल जाओ, लाइफ में मूव ऑन करो। बदनाम मत करो उसे, मेरा पति है वो। तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, बंद कर दो। लाइफ तो उसने मेरी बर्बाद की है। अविनाश ने आपको जो कुछ भी मेरे बारे में बताया वो सब झूठ है। राहुल मतलब अविनाश, वो एक कौन आर्टिस्ट है, धोखेबाज है। वो लड़कियों से शादी करता है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। 2 साल पहले वो मेरा 30 लाख रुपए लेके भाग गया था। बहुत मुश्किल से मैं आप तक पहुंच पाई हूँ, मुझे उसका झूठ साबित करने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। स्टॉप इट, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। देखो, मुझे पता है कि तुम मेरे पति को सिर्फ बदनाम कर रही हो। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सच बोल रही हूँ। आई एम श्योर कि उसने तुमसे भी बहाने बना बना करके पैसे लिए होंगे और आगे भी लेता रहेगा। आज तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन बहुत जल्द तुम मुझसे बात करना चाहोगी, तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल करना। भैया ने लास्ट मंथ ही अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला था और उसमें से एक पार्टनर ने हमें पूरे 20 लाख का धोखा दिया है। मैं तुम्हें दूंगा 20 लाख रुपए। हाँ हाँ, मुझे बताओ ना कितने पैसे चाहिए। 1 लाख। अरे भाभी आप आ गए? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। वो निधि। आह पायल, पायल क्या हो गया? पायल भाभी अचानक से पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा तुम बैठो, बैठो आराम से, मैं अविनाश को कॉल करती हूँ। रुको भाभी, बहुत रुको। हेलो अविनाश, पायल के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। व्हाट? मैं अभी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भिजवाता हूँ, तुम तुरंत पायल को लेकर मेरे क्लिनिक आओ। हाँ जल्दी से, बस आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है। अभी बेटा क्या हुआ पायल को? वो सुनील रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। सुनील क्या क्या रिपोर्ट है? अविनाश, पायल की दूसरी किडनी। दूसरी किडनी मतलब? 7 साल पहले मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में
पायल की एक किडनी डैमेज हो गई थी। हाँ, और पायल की बॉडी अब एक किडनी पे सर्वाइव नहीं कर रही है, उसे जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं अपनी बहन को किडनी दूंगा, हम दोनों मैच हैं। दैट्स ग्रेट, फिर तू जल्द से जल्द एडमिट हो जा, हमें आज ही ऑपरेशन करना होगा। फिर तू जाकर अभी मेडिकल फॉर्म भर दे और कैशलेस इंश्योरेंस का फॉर्म भरना मत भूलना। ओह गॉड, मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में तो कैशलेस सर्जरी का ऑप्शन ही नहीं है। एडवांस पेमेंट देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से 10 दिन बाद पैसे क्लेम करके पैसे मिलेंगे। फिर तो तुझे सर्जरी के लिए 15 लाख एडवांस कैश जमा करना होगा। अगले हफ्ते एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरना था। तो मुझे बताओ ना, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। एक मिनट, मुझे पायल ने बताया था कि आपने बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आप कैशलेस सर्जरी क्यों नहीं करवा सकते? हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, और जो इंश्योरेंस मैंने लिया है उसमें कैशलेस का ऑप्शन नहीं है। तो बेटा, यहाँ पे पैसे भरने का इंतजाम करने के लिए थोड़ा वक्त तो हमें मिल सकता है ना, ये तुम्हारा ही तो क्लिनिक है। जी पापा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेडिकल एसोसिएशन के भी रूल्स होते हैं ना, वो हम डॉक्टर्स भी नहीं तोड़ सकते। ये कैसा रूल है, मैंने तो आज तक नहीं सुना है सर। श्रुति, तुम अभी बहस मत करो प्लीज, सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना इस बात का। मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो घर के पेपर्स गिरवी रखकर लोन देता है 20% इंटरेस्ट पे। 20% पे? आप टेंशन मत लीजिए अंकल, वैसे भी 10 दिन में सर्जरी के पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, लाख सवा लाख की तो बात है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, कि मुझे उस आदमी का नंबर दो, मैं अभी जाता हूँ और पेपर्स लेकर आता हूँ और लोन लेता हूँ। लेकिन पायल को किडनी देने के लिए तुम्हें भी जल्द से जल्द एडमिट होना पड़ेगा। अंकल, आप अविनाश की जगह क्यों नहीं उस आदमी से डील कर लेते? अरे घर तो मेरे और पायल के नाम पर है ना, तो मेरे साइन के बिना पापा लोन कैसे ले सकते हैं? तो आप अपने घर के ऊपर लोन ले लीजिए ना, वैसे भी तो ये 10 दिन की ही तो बात है। पापा पापा कैसे यार, सुनील पागल हो गया है क्या? मुझे आधे घंटे का टाइम दे, मैं पेपर से लेकर आता हूँ। टाइम ही तो नहीं है अविनाश, पायल की हालत सीरियस है। अंकल आप ही इसे कुछ समझाइए ना, आखिर पायल की लाइफ का सवाल है। हाँ अभी बेटा, सुनील ठीक कह रहा है, तुम यहीं रुको, ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं जाके पैसों का इंतजाम कर आता हूँ। पापा हम ना, थैंक यू। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे पैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, हॉस्पिटल में सब वेट कर रहे हैं। सब पेपर्स तो बराबर है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। जी। इन 15 लाख के बदले में आप मुझे हर महीना 20% ब्याज देंगे। जी, वैसे तो हमें ये पैसे 10 से 15 दिन के लिए ही सिर्फ चाहिए। सब लेनदार ऐसे ही कहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो पैसे सालों तक चुका नहीं पाते। कितनों के तो घर बेचकर मुझे पैसे वसूलने पड़ते। लेकिन आपको हमारे घर बेचने की जरूरत नहीं है, हम आपका पैसा ब्याज समेत 15 दिन में वापस कर देंगे। काश ऐसा हो। ये लीजिए, मैं चलता हूं। आप घर पे आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल में पैसे देके आती हूँ। ठीक है बेटा, कुछ जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है। पंद्रह लाख पूरे मैं जमा करवा देता हूँ। वार्ड बॉय, तुम जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करवाओ। हाँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए। सर ओटी रेडी है, अब जल्दी चलिए सर। भाभी जी, सर्जरी में अभी 2 घंटे लगेंगे, तो आप घर जाकर अविनाश और पायल के कपड़े क्यों नहीं लाते? ठीक है। आप कौन हो? ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। ये मेरे हस्बैंड अविनाश माथुर का घर है, और मैंने इस अविनाश को घर रेंट पे दिया था, लेकिन उसने 5 महीने से मुझे रेंट नहीं दिया है, और मैंने उसे वार्निंग दिया था कि अगर आज उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं घर को ताला लगा दूंगा। What? ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम ये देखिए मेरे घर के पेपर, और ये देखिए अविनाश का रेंट एग्रीमेंट। वो एक
कौन आर्टिस्ट है, धोखेबाज है। 2 साल पहले वो मेरा 30 लाख रुपए लेके भाग गया था। हाँ बोलो बेटा। पापा आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए, वो अविनाश। हाँ मैं आता हूँ बेटा। अरे अरे रुकिए, आप इसे बंद क्यों कर रहे हैं? वॉचमैन सुनिए, यहाँ पे हॉस्पिटल के वो लोग थे ना, वो कहाँ गए? वो ड्रामा कंपनी वाले लोग, वो तो अभी निकल गए। ड्रामा कंपनी? अरे मैडम उनको तो 20 दिन के लिए दिया था, वो तो निकल भी गए। अच्छा वैसे वो वार्ड बॉय और नर्सेस के हाथ में कुछ पेपर था बाहर, वो क्या है? वो हम स्टाफ हायर कर रहे ना, तो शायद उनके हाथ में उनके सीवी होंगे। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। वो अविनाश, उसने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। डोंट वरी, आप रोइए मत, शहर की सारे पुलिस अधिक अवस्थी को ढूंढ रही है। अधिक अवस्थी? जी हाँ। इस अविनाश का असली नाम अधिक अवस्थी है। अलग अलग नाम और प्रोफेशन बताकर इसने अब तक देश भर की 60 से भी ज्यादा लड़कियों की जिंदगी खराब की है। What? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो खुद को डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बताता है, लेकिन असल में वो 10th फेल है। डाइवोर्सी, सिंगल मदर्स, इन लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी करता है और उसके बाद उनके सारे पैसे लेकर के वो भाग जाता है। हाय निधि। क्या हुआ राहुल? What happened? मेरी बहन, उसे ब्रेन ट्यूमर है। क्या? फिर तो उसके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत। 10 लाख? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूं मैं। निधि, क्या तुम अपने पापा से मदद मांग सकती हो? नहीं राहुल, मेरे पापा कोई हेल्प नहीं करेंगे। जब से हमने भागकर शादी की है तब से ना वो खुद मुझसे बात करते हैं, ना घर में किसी को मुझसे बात करने देते हैं। वो हमें पैसे नहीं देंगे। एक तरीका है। क्या? बहुतों के साथ बुरा किया है और आपको पता है उसने मुझसे मेरे ही घर में चोरी करवाई। उसकी वजह से आज भी मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते। ये अधिक अवस्थी बहुत चालाक है। हम कई महीनों से इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह चकमा देकर ये भाग ही गया। एक मिनट, अगर आप उसे फॉलो कर रहे थे तो जब वो मुझे चीट कर रहा था आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैम, ये अधिक अवस्थी अकेला ऑपरेट नहीं करता, इसकी पूरी गैंग है, और उनमें से एक भी बच गया तो वो किसी शहर में जाके गलत काम करेगा। इसलिए हम उसके पूरी टीम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, लेकिन इस बार भी वो हमारे हाथ से निकल गया। पता नहीं कहां किस मासूम को अपना शिकार बना रहा होगा। ईशान, तुम मुझे क्या छोटी बच्ची समझे हो क्या, जो तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो? ये चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे क्यूट से बेटे यश के लिए।
अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगी? तुम नहीं समझोगे ईशान, मैं एक विधवा हूँ और मेरे एक 5 साल का बेटा भी है, और ऊपर से मेरी इतनी हेक्टिक जॉब है ना कि दोबारा लाइफ पार्टनर मिलेगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर तुम मुझे मिले जो मेरे साथ साथ मेरे बेटे का भी इतना ख्याल रखते हो, आई मीन लाइक मुझे ये सब कुछ सपना जैसा लग रहा है। अच्छा अब कुछ लगा? अब मैं करूँ? अरे अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये देखो। ये क्या है? तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए लोन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने अपना घर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम्हें लोन इजीली मिल जाएगा। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, मैं मैनेज कर लेता ना। शट अप, अब तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी फॉर्मेलिटी करना ना बंद करो और कल घर आ जाना। पापा ने पंडित जी को बुलाया है घर पे हमारी शादी की डेट के लिए। ओके। आ गए अधिक। वो क्या है ना, काफी महीनों के बाद अपना असली नाम सुनकर अजीब लग रहा है। क्यों मिसेस सुमन अधिक अवस्थी? कम इन। ओह डॉक्टर सुनील। बोलो। इस प्रियाल की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इसके घर की कीमत 3 करोड़ है और अगर हम इसके गिरवी वगैरह रख के 2 से 2.5 करोड़ तक चुरा सकते हैं। अरे वाह, फिर तो ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी चोरी होगी। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं 20% नहीं पूरे 40% लूंगा। क्यों बे? हाँ 40% किस बात के? मतलब सारी मेहनत करूँ मैं और तू ये आखिरी में आके थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता है और उसका तुझे 40% चाहिए? अच्छा, फिर ये लड़कियों की रिसर्च और ये प्लानिंग पैसे निकलवाने की ये सब कौन करता है? और ये तेरी बीवी, ये कौन सा काम करती है जो इसको मुझसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? बस हाँ, अपने पति को अपनी ही आंखों के सामने किसी और औरत के साथ सोते देखना, पता है कितना सहना पड़ता है मुझे। अच्छा, तो इसके बर्दाश्त करने के पैसे मेरे प्लानिंग के पैसों से ज्यादा? अब तुम चुप हो जाओ, अपनी बीवी से करवा के देख लेना। अरे बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। 40 चाहिए ना तुमको, ले ले 40%। लेकिन आज के बाद ऐसी प्रियल जैसी ही मालदार पार्टियां लेकर आई हो? हाँ, गोवा की बिजनेस पार्टी मैंने खोज ली है। और ये प्रियल का चैप्टर खत्म होते ही अपन गोवा चले। ये गोवा? इस बात पे शैंपेन तो बनती है। ले जाओ। चीयर्स। सर, अधिक अवस्थी की अपडेट मिली है, अभी वो गोवा में है। अच्छा, मतलब ये लोग अभी गोवा में किसी लड़की के पीछे जाने वाले हैं, हमें कैसे भी करके इसको पकड़ना होगा। ओके सर। सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है ना, आई मीन परसे हम शादी करने जा रहे हैं। अरे प्रियल, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी बहुत जल्द शादी हो जाए और तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी बाहों में। अच्छा, तभी तुम चाहते थे कि हम धूमधाम से शादी नहीं करें, हम घर पे सिंपल से शादी करेंगे। हाँ और क्या, ये वेन्यू वगैरह बुक करने के चक्कर में बहुत टाइम और बहुत पैसा वेस्ट होता है। हमारा एक बेटा है ना यश, हमें उसके फ्यूचर के बारे में तो सोचना है। तुम कितने अच्छे हो ईशान, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। फिर से घोड़ी चढ़ने को तैयार हो दूल्हे राजा? जी महना जी।
थैंक यू। इंस्पेक्टर, जब मैं और पापा पहली बार अविनाश से मिले थे तो पापा को अचानक हार्ट अटैक आया था, जिसका इलाज अविनाश ने किया था और इसीलिए तो वो हमारे करीब आया। और उसके बाद जब हमने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि मुझे तो कभी हार्ट अटैक आया ही नहीं था, और जब मैंने उन्हें वो दवाइयाँ दिखाई जो अविनाश ने मुझे दी थी तो उन्होंने कहा ये तो गैस की, एसिडिटी की और ताकत की गोलियाँ हैं। इसका मतलब कैफे में किसी ने आपको ऐसा कुछ खिलाया होगा जिससे आपकी तबीयत खराब हुई होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज एक बार कैफे में इंक्वायरी कीजिए। ये देखिए, ये पापा की ड्रिंक में कुछ मिला रहा है। एक मिनट, ये वेटर डॉक्टर सुनील जैसा नहीं लग रहा। हाँ ये वही है, इनका थर्ड पार्टनर। ये वेटर आपके यहाँ अभी भी काम करता है? जी नहीं सर, ये बहुत ही खराब काम करता था सर, इसलिए इसको एक हफ्ते में ही निकाल दिया था। आपके पास इसका कोई एड्रेस या फिर कोई आईडी प्रूफ तो होगा ना? जी सर है ना। बताइए। ठीक। मत मारो साहब, सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। आदिक अभी प्रियाल के घर पे है सर, और वो दोनों अभी शादी करने वाले हैं सर। एड्रेस दे लड़की का। हाँ हाँ सर, ये ईशान, ये सब क्या हो रहा है? इसका नाम ईशान है ही नहीं, ना ही राहुल और ना ही अविनाश। इसका तो नाम है मिस्टर अधिक अवस्थी, और तुम मिसेस सुमन अधिक अवस्थी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, तो अपने ही पति को अपना भाई बनाकर दूसरी लड़कियों से शादी कराते हो और उन्हीं लड़कियों के साथ उनकी सुहागरात बनते हुए देखते हो, वो भी कुछ पैसों के लिए। अपना प्यार बेच दिया तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम पे भरोसा करके अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी की, और तुमने क्या किया? मेरे प्यार, मेरे भरोसे का मजाक बना कर रख दिया। चंद पैसों के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसी अमीर लड़कियां जिनकी अपने घर वालों से बनती नहीं, खासकर विधवा, सिंगल मदर और मेरी जैसी डिवोर्सी लड़कियां, उनके अकेलेपन का फायदा उठाया इसने, उनके विश्वास के साथ खेला है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा इंस्पेक्टर। उसकी फिक्र आप मत करिए, जैसे इसने सबका विश्वास तोड़ा है वैसे हम इसकी हड्डियां तोड़ेंगे। इन दोनों को इनके असली ससुराल लेकर जाने का टाइम आ गया है, लेकर चलो इनको। चल